एवरीवन, डियर मित्रों, में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैंने फ्लेक्सिबल बजट का जो लास्ट टाइप बचा हुआ है वो मैंने क्वेश्चन लिया है। ये सेम सिक्स का चैप्टर है, फ्लेक्सिबल बजट। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने जा रही हूँ। सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये सम हम लोग का नीचे से ऊपर जाने वाला है, मतलब उल्टा चलना है। और इसमें हम लोग को कुछ सेम थर्ड और फोर्थ का शीट आता है, जो कि हम लोग करते थे कॉस्ट शीट, जिसमें हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस वाला सिस्टम आता था। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे बना के रखी है, आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे क्या क्या लिखा है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसका टोटल हम लोग का प्राइम कॉस्ट होता है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड डालते हैं, उसका टोटल हमारा वर्क कॉस्ट होता है। ऑफिस ओवरहेड, जिसका टोटल हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रहता है, जिसका टोटल हमारा टोटल कॉस्ट होता है। फिर प्रॉफिट और सेल, इस तरीके से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पे दिया हुआ है, द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कुरन कंपनी लिमिटेड इज 2000 यूनिट एट 100% एक्टिविटी। 100% एक्टिविटी का हमारा 2000 यूनिट है, तो हमको क्या करना है, 75 और 50 का निकालना है। जैसे मैंने फ्लेक्सिबल बजट का हर बार सोल्यूशन बुक में डाला था, यूट्यूब पे डाला था, तो उसमें हम लोग कैसे करते थे, 100% पे 2000 है तो 75 पे कितना, ये क्रॉस कर देंगे, 75 इंटू 2000 डिवाइड बाय 100 कर दिया तो हमारा आ गया 1500, यानी ये यूनिट हमारा कितना हो गया 1500। सेम चीज़ हम लोग दूसरे वाले के साथ करेंगे, 100% पे 2000 है तो 50% पे कितना, ओके, ये क्रॉस कर दिया, 50 इंटू 2000 डिवाइड बाय 100 कर दिया तो हमारा इसका यूनिट आ गया 100,000। तो ये 1000 यूनिट इसका आ गया। अब उसके बाद उन्होंने दिया है रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 66/2/3। 66/2/3 का मतलब होता है 66.6666। तो ये किसके ऊपर है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। तो कॉस्ट हम लोग एज्यूम कर देंगे 100, प्रॉफिट हो जाएगा 66.66, ओके। तो टोटल सेल्स हम लोग का कितना हो जाएगा, 166.66, ठीक है। अब हम लोग को उसके बाद बोला हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 48%, 32% एंड 20% फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल दे दिया। नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड दिया 80% फिक्स है, जिस जो टोटल है 1,20,000। सेलिंग ओवरहेड 40% फिक्स है, जिसका टोटल 60,000 है। प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल एंड वेजेस इज 5:3। फैक्ट्री सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 50% अप टू 80% प्रोडक्शन लेवल एंड देर आफ्टर इट इंक्रीज बाय 100% पर यूनिट। सेलिंग प्राइस विल रिमेन एट यूनिफॉर्म रेट, ओके। हम लोग का सेलिंग प्राइस जो है वो रेट उसका सेम ही रहेगा। तो अभी हम लोग को यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, कहीं पे सेल्स दिया हुआ है, हाँ डेफिनेटली स्टार्टिंग में हम लोग को सेल्स दिया था 10,00,000। ये कौन से यूनिट के हिसाब से, 1000 यूनिट, 1000 मतलब 50%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 10,00,000 और उसका यूनिट दे दिया 1000, ओके। अब उसके बाद हम लोग को बोला है रेट ऑफ प्रॉफिट जो था 66.3 था, तो हम लोग को 100 के हिसाब से करना है। हम कैसे करेंगे, 10,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 166.66। इसको पीछे वाले को चार बार 66 कर देना तो आपका राउंड ऑफ में आएगा, मतलब 10,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 166.6666। चार बार 6 कर दिया तो हम लोग का डिफरेंस आ गया 6,00,000 का, ठीक है। यानी हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना हो गया 6,00,000। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे 6,00,000 लिख रही हूँ, तो आपको ये मिल गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब उसके बाद डिफरेंस हम लोग का हो जाएगा 5,00,000 का, नहीं सॉरी 5,00,000 का नहीं, 4,00,000 का। इसका यूनिट में कन्वर्जन करेंगे तो आएगा 600 और 400, ओके। ये आ गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग को सेलिंग ओवरहेड पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सेलिंग ओवरहेड हम लोग को टोटल दिया है 60,000, जिसमें हम लोग को दो चीज़ दी है, फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है। 60,000 का हम लोग का 40% फिक्स है, तो 60,000 का अगर हम 40% निकाल देंगे तो फिक्स का अमाउंट कितना आ जाएगा, 24,000, और बाकी जो बचेगा वो वेरिएबल हो जाएगा, मतलब 36,000। अब इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे तो आएगा 24 और 36, ओके। उसके बाद हम लोग का ऑफिस ओवरहेड है जो कि है 1,20,000, जिसमें 80% फिक्स्ड है, तो इसमें वापस मैं कर रही हूँ फिक्स्ड और वेरिएबल। टोटल ऑफिस ओवरहेड 1,20,000 था, जिसमें से 80% फिक्स था, यानी 96,000, और बाकी जो बचेगा वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा, यानी 24,000। यूनिट से डिवाइड कर दिया तो आएगा 96 और 24, ओके। उसके बाद हम लोग को करना है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में तीन तरीके के एक्सपांस है, फिक्स्ड, फिर वेरिएबल
और थर्ड हम लोग का है सेमी वेरिएबल, ओके। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 48%, 32% और 20% डायरेक्टली दे दिया और कुछ इसमें लिखा नहीं कि कितना अमाउंट पे हम लोग को डिवाइड करना है। इसमें हम लोग को एक हिंट पॉइंट दिया है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइम कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें से माइनस करते जाएंगे। जैसे हम लोग ऊपर से आते तो प्लस करते, अब नीचे से ऊपर जा रहे तो हमको माइनस करना है। 6 लाख था, 6 लाख में से 36,000 और 24,000 माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 5,40,000। फिर वापस उसमें से 96 और 24,000 माइनस कर दिया तो वर्क कॉस्ट हम लोग का आ गया 4,20,000, ओके। और बाकी की चीज़ें हम लोग को फाइंड करनी है। अब हम लोग एज्यूम करेंगे, यहाँ पे मैं रफ वर्क करवा रही हूँ, प्राइम कॉस्ट हम लोग का कितना था 100, ठीक है। हम लोग 100 एज्यूम कर रहे हैं और मटेरियल और वेजेस का इन लोग का रेशियो दिया था 5:3। तो हम लोग कर देंगे मटेरियल इज 100 × 5/8 कर देंगे हम लोग, तो 100 × 5/8 कर दिया तो इसका रुपीज़ आ गया 62.5। सेम चीज़ वेजेस का करेंगे, वेजेस का हम लोग का 3/8 था तो 100 × 3/8 कर देंगे तो हम लोग का आएगा 37.5, ओके। दोनों को मिला के हमारा प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा 100। अब उसके बाद उन्होंने दिया था वेरिएबल, प्राइम कॉस्ट का 10% था तो वेरिएबल एक्सपेंस हम लोग कर देंगे 100 का 10% कर दिया तो वेरिएबल हम लोग का हो गया 10। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे फिक्स और सेमी वेरिएबल। फिक्स एक्सपेंस कैसे निकालना है, 10 पे 32 पे हमारा वेरिएबल कितना आया 10 आया तो हम लोग का फिक्स्ड एक्सपेंस कितना था 48 पे कितना, ये क्रॉस कर देंगे 48 × 10/32 तो हम लोग का फिक्स्ड आ जाएगा 15। सेम चीज़ हम लोग को सेमी वेरिएबल के साथ करना है। सेमी वेरिएबल में भी हम लोग यही करेंगे कि 32 पे हमारा वेरिएबल 10 था तो 20 पे कितना, तो 20 × 10/32 तो हमारा आ गया 6.25। अब सब मिला के हम लोग को मिलता है वर्क कॉस्ट, यानी 100 + 10 + 15 + 6.25 हम लोग का आया 131.25। ये हमारा क्या हो गया वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट हम लोगों ने रुपीज़ में फाइंड कर दिया था ना, तो हम लोग इसके सामने रख देंगे 131.25 पे 4,20,000 था तो 100 पे कितना, ये क्रॉस हो जाएगा 4,20,000 × 100 / 131.25 किया तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ गया 3,20,000। ये हम लोगों ने क्रॉस करके निकाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे प्राइम कॉस्ट 3,20,000, यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 3,20,000। अब इसको बांटना कैसे, हम लोग का रेशियो क्या था 5:3, तो 3,20,000 × 5/8 तो हम लोग का कितना आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल 2,00,000, इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी बचा 3,20,000 × 3/8, ये हम लोग का डायरेक्ट वेजेस आ गया 1,20,000। यूनिट में डिवाइड कर दो 200 और 120 आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डैश कर दो, ओके। अब यहाँ पे हम लोग का जो डिफरेंस बचेगा वो फैक्ट्री ओवरहेड का हो जाएगा, यानी 4,20,000 − 3,20,000 करेंगे तो 1,00,000 आएगा। 1,00,000 को हमको यहाँ पे बांटना है, कितना परसेंट फिक्स हम लोग को कितना बोला था 48%, तो 48% निकाला हम लोग ने, आ गया 48,000, ये हो गया 48 यूनिट। फिर सेम चीज़ 1,00,000 का 32% कर देंगे तो आएगा 32,000, यूनिट कर देंगे 32। सेम सेमी वेरिएबल का हम लोग का था 20%, 1,00,000 का 20% कर दिया तो इसका आ गया 20,000, यूनिट में आ गया 20, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को सारे यूनिट्स और रुपीस कॉलम मिल गए। अब हम लोग को क्या करना है, आगे के दो डेटा को कंप्लीट करना है। अब हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल एक्सपेंस रहता है उसके यूनिट सेम रहता है, कुछ चेंजेस नहीं करके डायरेक्टली यूनिट जो है जो आया हम लोग का वो सीधा सीधा डालते जाना है। जो हम लोग का फिक्स्ड है उसमें हम लोग को रुपीस सिंबल डालना है, रुपीस में कुछ चेंजेस नहीं करना, ठीक है। तो मैं वही कर रही हूँ, यूनिट के अमाउंट सेम, यूनिट की यूनिट सेम रख रही हूँ, रुपीस के अमाउंट सेम रख रही हूँ। फिक्स 96,000, वेरिएबल 24, नेक्स्ट वापस फिक्स 24,000 एंड वेरिएबल 36 एंड 36, ओके। अब सेमी वेरिएबल का इन्होंने एक पॉइंट दिया था कि फैक्ट्री पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 50% up to 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी सेमी वेरिएबल हम लोग का आया 20,000, उसमें हम लोग को कितना परसेंट इंक्रीज करना है 50%, तो प्लस 50% कर दोगे सेमी वेरिएबल आ जाएगा 30,000, ओके।
फिर नेक्स्ट वाले में उन्होंने बोला है कि 100% उसके आगे के रेट पे हो रहा है, यानी 20,000 प्लस 100% कर दिया, तो आगे वाले में हम लोग का कितना हो जाएगा 40,000। ओके, और सेल्स का रेट हम लोग का सिमिलर है, मतलब सेल्स में हम लोग को यूनिट चेंज नहीं करना, यानी 1,000 और 1,000 वो हम लोग को रख देना है। अब हमको क्या करना है, रुपीज़ को यूनिट में कन्वर्ट कर दो और यूनिट को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो। मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, अब फटाफट से देख लीजिएगा, अपना कैलकुलेशन कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये सम कंप्लीट हुआ है। जैसे कि हम लोग ने मैंने बताया कि 50% 75% पे फिक्स्ड और वेरिएबल को हम लोग का यूनिट और रुपीस सेम रखना है, उस तरीके से मैंने पूरा कैलकुलेशन निकाल दिया। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट 75% का जो है वो 8,16,000 है और टोटल सेल्स 15 लाख का है। 2,000% पे यानी 100% कैपेसिटी पे टोटल कॉस्ट हम लोग का है 1,032,000 और टोटल सेल्स हम लोग का है 20 लाख का। तो इस तरीके से हम लोग का ये सम सॉल्व हो गया है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सम नीचे से ऊपर देख के आप सोच के डरना मत, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड है, बस उसको थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निक समझ आ गई तो आप पूरा सम कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हो। होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।